Jaina, the name of the topic is Vidyut Mapak Yantra. इसी यंत्र के बारे में हम लोग सर पढ़ने वाले हैं। यह आमीटर है, ऐसा ही वोल्टमीटर होता है, ऐसा ही कैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है। जैसे विद्युत धारा में बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको नापा जाता है। पावर को आप नाप सकते हैं, पावर समझते हैं शक्ति। प्रतिरोध को आप नाप सकते हैं, धारा को आप नाप सकते हैं, आवृत्ति को आप नाप सकते हैं, वोल्टेज को आप नाप सकते हैं। इस सब चीज को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। तराजू से दूध नापाएगा, नाप देगा। एक लीटर से चावल नापा जाएगा। सब के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वैसे ही विद्युत धारा को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। विद्युत धारा को नापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं, नापते हैं। ये कहता है वह यंत्र, वह यंत्र, यह यंत्र जो वैद्युतिक राशि वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस ऊर्जा ऊर्जो को नापते हैं। एनर्जी मीटर नीचे जो लगा हुआ है, वो जो लगल है क्यों, बिजली बिल जो आता है, ऊर्जा इत्यादि को मापने हेतु वैद्युत मापक यंत्र कहलाता है। यंत्र विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर कार्य करता है। विद्युत मापक यंत्र, देखिए सर कहते हैं विद्युत मापक यंत्रों की कमानी, कमानी समझते हैं, ये हेस्विया, हेजस्विया है, ये किसका बना होता है, के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है फास्फोरस। इसकी जो धातु है वो कौन सी है, फास्फोरस ब्रॉन्ज। ये जो से दिख रहे हैं ये वोल्टमीटर है सर, और इसके लिए उपयुक्त धातु क्या है, फास्फोरस ब्रॉन्ज है। अरे अभी तुरंत खाना खाए हैं चला, एंड कर्म में तो लिखा ले यही सब, आज तक याद नहीं है कि खाना खा लिया सूत गए क्या। हा आज तो रेस्ट है, तुम लोग भी, तुम लोग का रेस्ट का कौन वैल्यू है। स्टूडेंट लाइफ में रेस्ट के कोनो मतलब है, जब तक क्लास है क्लास है, रूम पहुंचेगा फिर रेस्ट, रेस्ट तोरा खोजेगा तू रेस्ट को खोजेगा। जरा से स्टैंड मारा ऐसे सोचेगा पढ़ लेते हैं, खत्म रेस्ट। कहते हैं किसी वैद्युतिक प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसर। सर इसमें सेंसर भी लगा होता है जो चीजों को नापता है। कहते हैं विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक यंत्र, एक होता है द्वितीयक यंत्र। देखो प्राथमिक यंत्र क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है। प्राथमिक ये बताता है कि करंट है कि नहीं है, वोल्टेज है कि नहीं। जैसे कभी कभार हम लोग बैटरी ले लेते हैं, अजीब पे से चाटते हैं, हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है, छोटा सा पट से चाट लेता है, ऐसे करके अजीब पे सटाएगा, छन छना जाएगा, कहेगा वोल्टेज है नहीं। तो सर एक होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। सर जो लोग इलेक्ट्रीशियन का कोर्स ले लिए हैं उनको बिहार इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और आप लोगों के लिए कंप्यूटर अलग से पढ़वा देंगे, हम हिंदी भी पढ़वा देंगे। वो 10-10, 15-15 क्लास का कोर्स है, जब वैकेंसी आएगी तो बात करेंगे। वैकेंसी आएगी अभी सर जून जुलाई में, अगर एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर, यानी अभी 8-9 महीना लेट है, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर, जैसे हम जीभ से चाटते हैं, इंडिकेट करते हैं वोल्टेज है, छू लेते हैं ओ करंट है, नहीं नापते हैं कि कितना है, दोनों में अंतर है। टाइम है सब, कहते हैं कि एक यंत्र होता है जो ये बताता है कि करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और एक यंत्र होता है जो कहता है तो कितना है। तो प्राथमिक यंत्र वो यंत्र है जिससे ये पता चलता है कि कितना करंट, कितना वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस, ये खाली इंडिकेट करता है, द्वितीयक ये बताता है कि कितना है। प्यारे बच्चों, प्राथमिक यह यंत्र किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि, अब विद्युतिक राशि हो गया पावर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट की उपस्थिति दर्शाता है, जैसे चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक निडिल, अगर यहां से एगो तार चल जाए जकरा में करंट हो, इस सुई ऐसे से हिलेगा, इस तार में करंट है कि नहीं तुम कैसे पता करेगा, छू छा करके देखते हैं, चल जाए बोरा में, अगर उपाय है मैग्नेटिक नीडल, नीचे में प्लास्टिक लगा होता है, इसको इसके सामने ऐसे ले जाइएगा, करंट अगर इधर से इस तार में है तो नीडल में डिफ्लेक्शन होगा, तो समझ जाइए कि करंट है, और छू क्या पता नहीं कर। ये हो गया चला प्राथमिक यंत्र, क्या हो गया ये अब अगर हम द्वितीयक की बात करें तो ये द्वितीयक है, इसमें रीडिंग है 10, 20, 30। हम अपने लाइफ में जितना इलेक्ट्रिसिटी बैच पढ़ाए हैं उसमें हमको लगता है अभी तक लगभग 45-46 को पढ़ा दिए हैं, उसमें सबसे अच्छे तरीके से हम इसी को अरेंज में पढ़ा रहे हैं, जिसमें सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जानी चाहिए। ये देखो देखने से पता चल रहा है 10, 20, 30, इन नाप के बताएगा कितना, ये द्वितीयक यंत्र है। क्या है ये? कहता वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युतिक राशि को मापा जाता है, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये कितने प्रकार के होते हैं, सूचना या इंडिकेटिंग यंत्र, कौन यंत्र, दूसरा रिकॉर्डिंग यंत्र, तीसरा इंटीग्रेटिंग यंत्र, चौथा हम कितना बढ़िया से पढ़ाएंगे, बढ़िया समझना, गुरु जी का ज्ञान देखना। तीन प्रकार के होते हैं, कौन, द्वितीयक, एक वो जो तत्कालिक मान को बताता है, तत्कालिक समझते हैं किसी निश्चित समय पर का मान, जैसे जैसे इसमें हम दो तार जोड़ेंगे तो अभी जो करंट है इस परिपथ में वो बता देगा, ये तत्कालिक मान बताए, कौन मान बताए, आ एक होता है ये कौन मान बताएगा, इंडिकेटिंग यंत्र, अगर ये एग्जैक्ट इस टाइम का इंडिकेट कर देगा, इसको हम कहते हैं इंडिकेटिंग यंत्र, एग्जैक्ट किसी खास समय पर। आ एक होता है चला रिकॉर्डिंग यंत्र, ये ग्राफिकल पेपर पर दिखाएगा कि किस समय पर कितना मान है, ये कहां देखा है तुम,
अरे वो सबने देखता है हॉस्पिटल में जो है हीरोइन जो है अपना पूजा करते रहती है, माथा पटक रही है आ उधर चलते रहता है टू 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 टू, पहले ऐसे सीधा हो जाता है आ फिर भगवान के दया होता है आ फिर वैसे ऐसे करने लगता है। बोलो तो जो सीधा हो जाता था हम लोग कहते मर गया, उपचम गया, ओराम गया। आइए अगर ऐसे ऐसे चल रहा है इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब कुछ वैल्यू है नहीं। एक होता है हृदय में बंडल ऑफ हिस, हृदय जब आप पढ़िएगा मेरे मित्र तो उसमें गुरुजी आपको पढ़ाएंगे बंडल ऑफ हिस। पूरा दिन में हमको सबसे ज्यादा मजा यही बैच पढ़ा के आता है, यहां आते हैं लगता है ना कुछ कर रहे हैं जीवन में, बाकी तो साइंस पढ़ाते हैं लगता है मां कसम वही रोटी गा रहे हैं, देखो सारे का मां पद नहीं बचल है हमार, वही यहां लगता है सही में हम मास्टर हैं हम पढ़ा पा रहे हैं। कहते हैं मेरे दोस्त ये जो ऐसे रहता है ना इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, साफ प्लेन, मतलब एक मतलब अगर मतलब कोपचा में गया नहीं। एक होता है हृदय में, हम कल पढ़ा रहे थे बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस वो चीज है जो विद्युतिक कंपन हृदय में जो होता है, विद्युतिक कंपन वो उसके बारे में बताता है। ये जो विद्युतिक कंपन आपके हृदय में होता है सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसके बारे में ये बताता है। अगर ये चल रहा है इसका मतलब आपका हार्ट चल रहा है, कभी कंपन आ रहा है कभी अस्थिर हो रहा है, आ रहा है अस्थिर हो रहा है, आ रहा है अस्थिर हो रहा है। अगर ये सीधा है इसका मतलब आप चले गए, अब आपके शरीर से कोई इंफॉर्मेशन, तो आप कहिएगा कि इतना सेकंड में क्या कंपन हुआ, इतना सेकंड में क्या कंपन हुआ, हो ही नहीं रहा, दिखाएगा क्या, बोलन रे तो कुछ नहीं है। इसीलिए देखिएगा वो जो लैब टेक्नीशियन होता है वो इलेक्ट्रीशियन भी वहां होता है, उसको ये बात की जानकारी होती है कि जो ईसीजी मशीन, आप ईसीजी कभी करवाए होंगे तो ईसीजी में क्या करता है, ईसीजी रिपोर्ट ऐसा ही होता है, वह हृदय के कंपन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाय अल्लाह, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह मतलब विद्युत धारा का प्रवाह, कहां, कार्डियो में, कार्डियो मतलब हृदय में, विद्युत धारा का प्रवाह जो हृदय हृदय में होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल पेपर पर, उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिग्नल हृदय का ग्राफ के रूप में जो दर्शाते हैं तो उसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये तो हो गया चला सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, हो गया किसी निश्चित समय पर का मान, ये हो गया सर ग्राफ पेपर पर दिखाएगा तत्कालिक मान को, इतना सेकंड में इतना ग्राफ, इतना सेकंड में इतना ग्राफ, इतना सेकंड में इतना ग्राफ। और एक होता है जो पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का एक बार दिखा देगा, उसको हम लोग कहते हैं मेरी जन इंटीग्रेटिंग यंत्र। ऐसे भी अगर आप जानकार आदमी हैं, अगर आप प्यारे बच्चे हैं तो आपको ये पता होगा कि इंटीग्रेट करना मतलब होता है बड़ा करना, डिफरेंशिएट करना मतलब होता है छोटा करना। आप देखिएगा कि आपको पूरे महीने का बिल एक बार मिल जाता है, पूरे महीने का मान जब एक बार दे दे, पूरे साल का मान जब एक बार दे दे, पूरे दिन का मान जब एक बार दे दे, इंटीग्रेट करके यानी बड़ा करके, तो उसको हम इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। बुझाता नहीं खे, बुझाता ये लड़की जो है ना डाइन है रे तुम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अरे बाप रे बाप। देखो डाइन तो तुम पहले से सीख ली होगी। देखो जैसे होता क्या है कि
इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है हर आदमी में अलग अलग तरीके से होता है। इस सबके ईसीजी रिपोर्ट आएगा तो ग्राफ साफ ऊपर जाके नीचे आएगा। कहते हैं द्वितीयक यंत्र कितने प्रकार के? तीन प्रकार, सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र, वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाना, समझना भावनाओं को, पूर्वांकित पैमाना, पूर्व में ही अंकित है ये पैमाना जिस पर यह दर्शाएगा, जा रहा है किस पे? पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे आमीटर, वोल्टमीटर, मेगर, वाटमीटर। एक मिनट यार, अच्छा एक बात, चैप्टर के जब शुरुआत पढ़ रहा है तो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, और कभी पलट के नोट्स भी देखा करो मेरी जान, मेगर एगो टॉपिक है, एक पेज पलटो मेगर दिखाई देगा, अब बड़ा सा टॉपिक दिखाई देगा, अब चेतना ने पलट दिया, देखो 15-16 पेज पलट दिया, जोरे भोकवा। अरे पीछे या आप पीछे पलट रही होगी इसी चैप्टर में, अरे मेगर देखो, मेगर मिला पेज नंबर कितना है रे? 200। पेज नंबर 200 निकालो तो मेगर है कि नहीं है? है रे। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक संकेतक के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, मेगर। मेगर वह यंत्र है मेरे दोस्त जो उच्च प्रतिरोध नापता है, पृथ्वी का प्रतिरोध नापता है, कुचालक का प्रतिरोध नापता है। मेगर वह भौतिक राशि है, एक लाइन कर पूछवे करता है, महा फेमस लाइन, पिछले बार ड्राइवर में हमने पढ़ाए थे, अब बच्चा को पूछ दिया, लड़का उधर से आया बोला मेगर नहीं पढ़ा, मेगर नहीं पढ़ा, तो हम फिर बाद में मेगर ऐड किए। मेगर उच्च प्रतिरोध को नापता है, कुचालक का प्रतिरोध, इतने पूछा सबके सेट में, जितना सेट हुआ मेगर क्या है? कहते हैं वह यंत्र जो वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक ग्राफ पर अंकित करता है उसे कौन यंत्र कहते हैं? रिकॉर्ड करता है ये अलग, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, जो एक दिन का पूरा ऑब्जर्वेशन है, जो एक महीना का पूरा ऑब्जर्वेशन है, उसके कुल मान को एक के बार दिखा देता है, किलोवाट मीटर या ऊर्जा, किलोवाट आवर मीटर या ऊर्जा मीटर। बोला हो राजा, ऊर्जा मीटर इसी को कहते हैं, दोनों का एक के हुआ। बोलो ये तो जानते होंगे ना, किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, और वो ऊर्जा नापता है, दैट इज ऊर्जा मीटर। अब विद्युतीय परिपथ में सांकेतिक यंत्र देखो चला है, ये सांकेतिक यंत्र इंडिकेटिंग, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये द्वितीयक का एक प्रकार है, द्वितीयक कितने प्रकार के? कौन कौन? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, चला बुझाया? पहले तो यंत्र वो वैद्युतिक यंत्र वो है जो हमको विद्युत धारा के सभी मानों को नाप के देगा, वह यह दो प्रकार का, एगो प्राथमिक एगो द्वितीयक। प्राथमिक हमको ये बताता है कि है कि नहीं है, द्वितीयक ये बताता है तो कितना है, और द्वितीयक के तीन प्रकार, एक इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। बढ़िया पढ़ा रहे हैं हम, पक्का ध्यान देना। पूरे इलेक्ट्रीशियन चला एक दूगा चैप्टर ऐसा है जो तुरा दर्द देगा,
बाकी चैप्टर में बाबू रे सुना रे सट सट जाएगा। अब एक दो का चैप्टर तो सिलेबस के नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको डाले हैं, डिप्लोमा के है, सिंक्रोनस मोटर वगैरह जो है इधर नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको डाले हैं, फिर भी उसको हम खूब बढ़िया उस तरह पढ़ा देंगे। कंडीशन सप्लाई इधर का सारा मामला सेट होना चाहिए, तभी उस समझ में आएगा। उसमें वो भारी नहीं है, लेकिन बच्चा क्या करता है ना, कभी चैप्टर में क्लास किया, कभी उस चैप्टर में छोड़ दिया, उसको जब उस टाइम वो पढ़ाएंगे तो ओकरा लगेगा माथा के दाऊ का मास्टर को नहीं बुझा रहा है, मास्टर नहीं पढ़ा पा रहा है। ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। अगर आप हर सही दीर्घाई में एबसेंट मारिएगा तो कैसे डिक्टेशन लिखिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वही मामला, आप एबसेंट नहीं मारिए, बहुत आसान है। अभी तक इसमें कुछ भारी लगा तुरा? आप पिछला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज सिस्टम में कुछ भारी लगा? आर वाई बी को आर बी वाई कर देंगे तब मोटर उलट जाएगा कि सीधे चलेगा? आर वाई बी ना फेज इंडिकेटर का क्रम था, आप फेज को नापने के लिए फेज अनुक्रम इंडिकेटर का प्रयोग करते थे। एक्सी ज्यादा होगा तो लीडिंग की लैगिंग, एक्सएल ज्यादा होगा था केवल प्रतिरोधी परिपथ, एसी डीसी दोनों के लिए, खाली एसी के लिए प्रतिरोधी परिपथ होगा, एसी डीसी दोनों के लिए बोलन रे। एक्सएल बराबर क्या होता था, 2πfL की 1/2πfL, एक्सी बराबर 1/2πfC, रेजोनेंस के केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी बोलन रे। यही सब तो छोटा पढ़ना है। कैपेसिटर किसको कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कि करंट को? इंडिकेटर करंट को ना, याद कर जहिया वार रहिला, सुनाएगा ना, पियव से पहले हमार रहिला। कोई देखेगा तो कहेगा मास्टर पागल हो गया है। देखो चला, तीन प्रकार का टॉर्क होता है, जब बच्चा समझता है चला तो पढ़ाने में मजा आता है। बच्चा मुडमती रहे तो मन करता है बच्चा के मुंह में लाठी ठूस दे। कहते हैं तीन प्रकार का होता है, क्या बोला? अच्छा, टॉर्क तीन प्रकार के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। हाय 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 हाय, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब म्याज अगर तो हम बुलंद न कर दिया जे कहना। डिफ्लेक्ट करना, विक्षेपित होना, सर टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, वह बल जो किसी वस्तु को सही है ना। देखो ये जो डिफ्लेक्ट करेगा ना, यहां है, अब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट होने के लिए चूंकि ये गोल गोल घूमता है तो बल चाहिए कि टॉर्क चाहिए? तो भैया इसको जो पहली बार डिफ्लेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, क्या चाहिए? देखो ये ऐसे है कि पहली बार डिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चाहिए, बल चाहिए ना जो इसको लेके जाएगा बोलन रे। ये जब यहां जाएगा तो कभी, अच्छे को बात बताओ, देखो दिमाग देखो मेरा, कभी सुइया वाला जकरा में वैसा गाड़ी चलाया है, सीडी डिलक्स ये सब जकरा में इमीटर में से सुइया लगल रहता है, देखा है तेल वाला में? तुम्हें एक चीज देखना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करेगा ना, तेल भले ही चला, तेल भले ही अक्के खुट्टी रहे, मां कसम जैसे तेल एक खुट्टी रहेगा यहां रहेगा, आज जैसे तुम एक दबाएगा चाबी दिया ये घूम के आ जाएगा चला यहां, आ फिर औकात पे आ जाएगा बोलन रे। तो देखो ये इसे गया, इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, आप फिर एक कंट्रोल करके सही जगह पर लाएगा कंट्रोलिंग टॉर्क, आप फिर ऐसे से हिलते रहता है
एकरा फिर अस्थिर करेगा डैम्पिंग टॉर्क। दिमाग देखो मेरा, नहीं यहां से ऐसे करोगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, औकात पे आएगा कंट्रोल, कंट्रोल करेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, अप डाउन जो ही करते रहेगा वगैरह रोकेगा, अब मंदित करेगा, मंदित करेगा मतलब मंद करेगा मतलब धीरे करेगा मतलब रोक देगा। प्रेम से बोलो गुरुदेव की। ये समझो कि हमारे ऊपर मां सरस्वती की कृपा है कि तुम मेरे किसी सब्जेक्ट में बैठोगे ना तो राई लगवे नहीं करेगा कि मास्टर कौन चीज बढ़िया है कौन चीज खराब। साइंस पढ़ोगे तैयो, ट्रेड पढ़ोगे तैयो, डिप्लोमा पढ़ोगे तैयो। हम मैकेनिकल ब्लॉक पढ़ाते हैं ना तो कहता है सर 20 मिनट पढ़ाइए ना, बेसी पढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्ही लोग छोटा 1 घंटा खोजता है। टीचर अगर सही से आधा घंटा पढ़ा देगा ना सही से, आप गड़बड़ से 1.5 घंटा पढ़ाएगा तो और कोई वैल्यू नहीं। मगर हम जब जेबे ने करेगा तो छेद कभी भोकरना होगा रे। अरे हमको अगर दिमाग में लेना है तो दिमाग में लेना है चला तो जाएगा तब ना रे। हम 1 घंटा लंबा लंबा छोड़ दें कुछ जेबे ने करे तो दर्द से मरेगा, मामला गड़बड़ाएगा। अच्छा गलती बोल रहे हैं इसलिए जाने दो। कहते हैं पहली बार जो विक्षेपित होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फिर वगैरह कंट्रोल करके लाएंगे कंट्रोलिंग। पक्का पक्का, ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा पेपर है इलेक्ट्रिशियन। खाली तुम लेकिन क्लास नहीं छोड़ना, क्लास छोड़ोगे तो लोग कहता है क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, हम भैया कहते क्रमबद्ध ज्ञान को इलेक्ट्रिसिटी। एकरा एक क्लास छोड़ा गेल, देखना गुरुदेव का सेटिंग तो देखो, सेटिंग देख रहा है, मजाक में ले रहा है मेरा बात। देखो कहते हैं सूचक को, ओए होए 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 होए, ये सूचना देता है कि कितना है, तो यही सूचक हुआ। जे पत्र दे पत्रवाहक, जे सूचना दे सूचक, कॉन्सेप्ट देख रहा है भाग चढ़ा सुतल है। कहते हैं सूचक को शून्य की स्थिति से, भैया रे ये जब तो सीडी डिलक्स के कांटा है उस शून्य पर न रहता है रे, शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपक टॉर्क की आवश्यकता होती है, औकात पर लाने के लिए। इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता। अब यहां तू गड़बड़ाया जाएगा, तुम कहेगा हम नहीं बुझे की बोले चला। ई एलपीओ के टाइम में हम पढ़ाएंगे उस टाइम, लेकिन बाबू रे फीस लेंगे 1.5। जितना प्यार मोहब्बत अभी क्लास में कर रहे नहीं सब नए होगा, एकदम 20 दिन 20 क्लास खत्म। इसलिए खाली बॉन्सरे होवे करेगा, एको बॉल अगर तुम मार के देखा दो हम की करेंगे, गलती तो हर ना है, हम तो पढ़ा रहे हैं, तुम अभी पढ़ो देखो हम थोड़ा पढ़ा देंगे बढ़िया से। देखो एको मैग्नेट ले लिया, एको क्वाइल ले लिया, ले लिया नीचे जाके चला कोई एक स्क्रू ड्राइवर ला देगा, छोड़ दो कायल जाएगा स्टाफ है लाएगा, ने मोबाइल ने बोलना गुरुदेव, ऐ बोलना गुरुदेव ने स्क्रू ड्राइवर का बॉक्स मांगा है, सब जुगाड़ है चला मेरा। ये समझो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया है साइंस और ट्रेड जो है ना, चला मेरा इंटरेस्ट पैशन है ही मेरा। बाप माई कोई हमारा याद नहीं आता है, जब ये सीखते रहते हैं और सिखाते रहते हैं ना बाप याद आता है ना माए, भूल जाते हैं कि मेरा भी कोई है, मेरा घर तक हम भूल गए। मजा आता है इसको सीखने में सिखाने में, आपको भी सर मजा आएगा कभी इसमें घुस के देखिए। कहते हैं सर ये क्वाइल है, ये मैग्नेट है, एकरा घुसाएंगे घुसाएंगे निकालेंगे घुसाएंगे निकालेंगे घुसाएंगे निकालेंगे, एकरा दर्द होगा।
दर्द होगा मतलब एक डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा डिफ्लेक्शन, एक मतलब काहे डिफ्लेक्शन होगा, बस इसलिए कि जब एकरा में घुसाइएगा निकालिएगा, ये तार है, ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स एकरा से कटेगा, अब कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो यहां पर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एमीटर वोल्टमीटर सब में कहता है, इसे ये हम बताते हैं कैसे होता है। ये चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, इसे विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के उष्मीय प्रभाव से भी उत्पन्न किया जाता है। अब विद्युत चुंबक के प्रेरण या विद्युतीय प्रेरण या उष्मीय प्रभाव से भी इसको उत्पन्न करते हैं, लेकिन सर ये जो है ना ये सेंसर वगैरह में ऐसा होता है कि गर्म होगा, सेंसर का काम क्या है चला, जब गर्म हो ना तो वो दिखा दे कांटा को लास्ट। अच्छा एक बात बता, देखो कभी गाड़ी चलाया है, अच्छा गाड़ी में फोर व्हीलर चलाया है या टू व्हीलर में कभी देखता है हॉट कूल, एगो ऐसे मीटर लगा हुआ होता है, यहां पर एगो चाबी के सिंबल रहता है, इधर जो जो आओगे रेड हो जाएगा, जब ये ऐसे यहां तक आ जाएगा इसका मतलब तुम्हारा इंजन हॉट हो गया, तो इंजन क्या हो गया हॉट हो गया। देखें अच्छा एक बात बता, जनरेटर में करंट देता है या मोटर में, तो करंट देता है तो घूमने लगता है, मोटरे है ही चला, एकरा में जैसे हम करंट यहां पर जैसे हम करंट के तार देते हैं ना भैया, करंट के तार देता है तो घूमता है, और जब ये घूमता है तो एकरा में एक कांटा लगा दिया तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें स्प्रिंग लगा हुआ होता है, जहां तक घूमता है वहीं तक घूमेगा, फिर नीचे बैक टू पवेलियन आ जाएगा। तुम कहोगे मास्टर रे तेरी चाहते तेरो, जिंदगी में कुछ है चला, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुते छोट है रे चला। अब साइज रख ले हैं, हमको चला और मेरे दोस्त को लोग मशीन मैन कहा करते थे कॉलेज में, हम लोग भर दिन कोनो ने एक कार रखा हुआ था और सब इंस्ट्रूमेंट था, भर दिन हम लोग उसी में लगे रहते थे, कुछ सीखते रहते थे और सब लड़की पटाते रहता था। देखो चला, सी दिस वन, ये देख रही, इसी में डिफ्लेक्शन, वो जो बैटरी वाला बनाए थे वो क्या हुआ, नीचे है ना, लेके आना, इसके अंदर में ना चला, ये वाला मामला, स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको जब देखोगे तो यहां पर है, देखो ये डिफ्लेक्ट होता है, यही डिफ्लेक्ट होता है, प्लस ब्रॉन्ज का है ये, जैसे इसमें करंट देंगे मोटर जैसे नहीं घूमता है, वही मोटरी के अरेंजमेंट है, घूम जाए बोलन रे, आ फिर स्प्रिंग लगा हुआ होता है, फिर वो अपने जगह पर आ जाए, हमको चला दिख रहा है दोनों तरफ से, देखो परमानेंट, इस साइड से परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है, इधर कॉइल है, जैसे करंट देते ही घूमने लगता है। अब क्या होता है मेरी जाने मोहब्बत, कहता इसे चुंबकीय चुंबक के चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए सर किसमें देखो, ऊपर से देखो इधर
अंदर में तुमको करिया टाइप का दिखाई दे रहा हो, है यहां पर, यहां वही मैग्नेट है। तो चुंबकत्व के द्वारा इसको किया जाता है, नियंत्रक, नियंत्रक क्या करेगा, ये जो सर भागेगा ना तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल। कहते विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद पहले तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा, बोले ना चला, खराब होगा तो हमारा ना होगा रे, तोरा एम की दिक्कत, ये डिफ्लेक्ट होके लास्ट तक जाएगा, तो पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की पहले कंट्रोलिंग टॉर्क, हाँ पहले डिफ्लेक्टिंग, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को फिर कंट्रोल करेगा कौन, कहता है विक्षेपक टॉर्क उत्पन्न होने के बाद बाद सूचक 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 की गति को नियंत्रित करने के लिए, ओलंजला नियंत्रक टॉर्क विक्षेपक टॉर्क, विक्षेपक टॉर्क कहता है कि हम यहां जाएंगे उगलाट पीछे आओ, तो राम तुम मान लो इधर आओ, ई मान लो चला कि ई है हमार डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ई जा रहा है, हम अगर कंट्रोल करेंगे, अगर हम विरोध करेंगे, अगर सपोर्ट करेंगे, आई जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना तेजी से हम एकरा खींचेंगे, नहीं बोलन रे, मोबाइल है किसी के पास, टेलीग्राम यूज करता है, एक वीडियो बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, अच्छा हम पढ़ाते हैं कि नहीं, बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं, तो कल नहीं यहाँ आ गया मोबाइल, वो आ गया छोड़ दो, बना देगा, तुम रखो ना, तुरंत अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर क्या किया ना, अब छोड़ दो, ले आता ठीक रहता, कितना देर में आएगा थोड़ा जल्दी, चला इंजीनियर है हम, तुम मेरे जिस क्लास में बैठोगे ना, समझो बिहार का एक अजूबा आदमी है, जब तक है तब तक ज्ञान का प्रसार होते रहेगा, हर क्षेत्र में होगा, हर जगह होगा, और इतना चला सही पूछो तो नॉलेजेबल लोगों की अभी भी बहुत कमी है, जो सही तरीके से अगर आपको उधर पढ़ाया जाता तो अभी आपका यह हाल नहीं रहता। एक बार हम गए थे आईटीआई कॉलेज में जॉब मांगने के लिए, 12,000 तक का जॉब नहीं दिया था, जबकि हम उसको समझाए थे कि हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट के साथ पढ़ा देंगे, उसको समझ में आएगा, हम बच्चों को सब मेरा सपना था चला इंजीनियरिंग कॉलेज में, हम जाके अपने वाइस प्रिंसिपल को बोले थे कि सर हमको पढ़ाने दीजिए क्या प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ मशीन, आप हमको सर पढ़ाने दीजिए, हम आप प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाएंगे, और आप बिलीव कीजिए आपका एक भी बच्चा विरोध करने नहीं आएगा, बोला सिलेंदर अभी तू बच्चा है, सबको ऐसे ही लगता है कि हम पढ़ा लेंगे, इन पढ़ाना इतना आसान नहीं है, हम बोले सर 12,000-13,000 रुपया दे दीजिएगा तो हम रह जाएंगे, जिस कॉलेज में हम हैं उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती, लेकिन वो चट्टा हमको दिया नहीं, और आज वही मास्टर है जो वही वाइस प्रिंसिपल जो हमको फोन करता है कि सर एसके जा सर एगो LIC करवा दीजिए, LIC के एजेंट बन गया, ठीक ना, तो वही होता है चला, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, आज देखो हम जो चाह रहे थे वो आज हम कर रहे हैं, हमको आनंद हो रहा है, और तुम समझो कि पैसा का कोई लिमिट रहेगा, अभी ड्राइवर के वैकेंसी खाली आ जाए,
देखो एक वीडियो बनाना, ध्यान देना। हमने कहा आपको सर, गौर फरमाइएगा, रुक जाओ, रेडी बोलेंगे तब। सर ये मान लीजिए कि हमारा, अभी रुक जाओ, ये हमारा एमीटर है, रेडी, ये हमारा सर एमीटर है, ये एमीटर को हम सर खोल लिए हैं। यार बच्चों ये इंडिकेटर है जिस पर, ये इसको कहते हैं पूर्वांकित पैमाना, पहले से इस पर अंकित होता है, इसको हम अलग रखते हैं। हमने इसमें कहा कि इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, देन कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, देन डैम्पिंग टॉर्क होता है। आप गौर से देखिएगा तो ये जो है ये पहले डिफ्लेक्ट करेगा, फिर इसको कंट्रोल करेगा, और फिर इसको डैम्पिंग टॉर्क लगाएंगे अस्थिर करने के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये बच्चा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब सर आगे जा रहा है, तो ये कांटा भी आगे जाता है, तो ये अगर मान लीजिए कि आगे जा रहा है तो हम इसको, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, अब इसको हम खींचे, ये कंट्रोलिंग टॉर्क है, अब ये हिल रहा है, अब इसको अस्थिर करेंगे, ये डैम्पिंग टॉर्क। अब गौर फरमाइएगा, इसको अगर हम इसे ठेल ले, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, अब इसको हम खींचे, ये कंट्रोलिंग टॉर्क है, अब ये हिल रहा है, इसको हम अस्थिर कर देंगे, ये डैम्पिंग टॉर्क। वही इसमें भी होता है, ये कांटा जब इसे खिसकता है, या ये कांटा जब इसे, अभी देखिए आप देख रहे होंगे ये खिसक रहा है, ये खिसकता है तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसको कंट्रोल करके औकात पे लाते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क है, और जब हिलते डोलते रहता देख रहा है अस्थिर कर देते हैं, ये डैम्पिंग टॉर्क। इज दैट क्लियर? अब गौर फरमाइएगा कि इसमें हो गया ओके ना। आप गौर से देखिए, हमने कहा ये जस्ट लाइक अ मोटर, ये मोटर है, क्या है ये? यहां पर आप देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, जैसे इसमें करंट दीजिएगा मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होगा, तो कहते हैं देखिए नियंत्रक टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्टिंग के बाद लगेगा कंट्रोलिंग टॉर्क, बोले मैं नहीं करेगा, और कहते हैं इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ होता है वो जो इसे भागता है ना उसको फिर कंट्रोल करके ले आता है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। कुछ कुछ होता है एक गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली, आप कहेगा एक गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली क्या होता है, चला एक बात बताओ, स्प्रिंग रहेगा तब भी इसको यहां जाएगा फिर इसको यहां ले आएगा, और एक होता है गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली जो तेल जो का जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, और जितना कम बल लगेगा, नहीं जितना मात्रा कम रहेगा तो कम बल लगेगा, अब मात्रा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बल लगे, बोलिए ना। तो कहते हैं इस नियंत्रण प्रणाली तथा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न करते हैं, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। नियंत्रित बल आघूर्ण सुई को शून्य स्थिति में ले जाने हेतु आवश्यक होता, ये तो नियंत्रित करके जहां औकात पे लाने की बात होगी वहां तक लाएगा, इस पर भी हम और चर्चा करेंगे सर, इसका एक डिफरेंस है। लेकिन सर ये अभी खत्म नहीं हुआ है, हम लेकिन आपको खाली हम ये पढ़ाए हैं कि विद्युतीय यंत्र वो यंत्र होता है जो किसी चीज को नापता है, एमीटर वोल्टमीटर वगैरह वगैरह, ये दो प्रकार के, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक ये बताता है कि करंट है कि नहीं है, द्वितीयक ये बताता है कि है तो कितना है, बोलिए, और द्वितीयक यही बताता है, द्वितीयक तीन प्रकार का, कौन कौन? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, पहला क्या था? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग इंडिकेट करेगा कितना है तत्कालिक मान को, रिकॉर्डिंग ग्राफ में दिखाएगा, और इंटीग्रेटिंग पूरे दिन पूरे महीने पूरे साल का दिखाएगा। अब सर टॉर्क तीन प्रकार के, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, विक्षेपक नियंत्रक अवमंदक, हिंदी इंग्लिश दोनों गुरु जी के बढ़िया है, क्लियर है ना? अभी सर क्लियर नहीं हुआ है, आप यहां शायद लटके हुए हो, इसमें आइए अभी सर समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना, हम बुझ गए हैं यहां दर्द होगा, एक हम समझा देंगे, ये हम समझाएंगे तब जब थोड़ा सा मोटर बुझा देंगे तो बुझ जाइएगा।
पूरा कर देना है, ये ऐसे से घुमा देना है कि सर हम बोले जस्ट लाइक अ मोटर नॉट अ मोटर। आप क्रोमैग्नॉन, आपका जो पूर्वज था, हमारा जो पूर्वज था, आप उसके जैसे हैं, तो आप क्या क्रोमैग्नॉन है? आप उसके जैसे हैं। ये जस्ट लाइक अ मोटर, बोलो मोटर। खाली वो मोटर नहीं है जो घर में पानी के लिए निकालते हैं, मोटर ये भी है, मोटर ये भी है, हर वो चीज मोटर है जहां करंट देने के बाद वो घूमता है। हाँ, मोटर कितने प्रकार के होते हैं, तो मोटर में जाएंगे तब ना बताएंगे। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक रही। तुझे पाके दिल भर मुझे लगना है मेरी जिंदगी